नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स दैट कैन बी क्लासिफाइड एज न्यूमेरिक इटरेटर्स। ओके, इटरेटर्स, सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस हो गया, मैपिंग, फाइल्स, क्लास, एक्सेप्शंस, तो इतने टाइप्स के हमारे डेटा टाइप होते हैं पाइथन में। तो मैं यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ पहले पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, न्यूमेरिक के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा एंड देन मैं आपको इटरेटर्स, सीक्वेंस, मैपिंग, फाइल, क्लास, एक्सेप्शन, इनके बारे में आपको धीरे धीरे मैं बताता चला जाऊंगा। तो चलो वहां पहले आपको मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप बताता हूँ। तो अब आप यहाँ देखो, पाइथन हैज थ्री न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, कौन कौन से? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इंटीजर और फ्लोट क्या है। ओके, एंड ये आपको पहले से भी पता होगा कि इंटीजर एंड फ्लोट क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। तो इसमें आप पहले देख लो कि सबसे मेन पॉइंट क्या है कि पाइथन 2 हैज अनदर टाइप लॉन्ग बिकॉज इट इंट टाइप कुड नॉट स्टोर वेरी लार्ज वैल्यू। ओके, इसमें ये क्या था कि पहले जो था पाइथन 2 में जो हमारा इंटीजर वैल्यू नहीं था, इंटीजर डेटा टाइप नहीं था, इंटीजर नहीं था वहां पर, उस जगह पे लॉन्ग था। तो लॉन्ग क्यों रखा गया था? क्योंकि इसमें स्पेस, जितना स्पेस रखने का जो वैल्यू होता है वो उतना नहीं था, तो इस वजह से यहां पर इसमें पाइथन 2 में लॉन्ग रखा गया था। अब क्या हुआ, पाइथन 3.7 या पाइथन 3 में क्या किया गया, उस चीज को चेंज करके, उसको लॉन्ग को चेंज करके उसमें इंट रखा गया, और इंट की स्पेस और जो वेरिएबल की जो ये होती है कंटेनर साइज जो होती है उसे बढ़ा दिया गया, और फिर उसको वहां पर इंटीजर कर दिया गया। और फ्लोट के बारे में आपको पता ही होगा, फ्लोट क्या होता है। फ्लोट अगर मैं कुछ लेता हूँ 1.0 समथिंग एंड ऑल, तो ये सब हमारी फ्लोट में आती है। तो ये हमारी होती है न्यूमेरिक डेटा टाइप पाइथन में, और यह तीन टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में, ऑपरेटर्स में के बारे में आपको मैं वहां प्रैक्टिकल करके बताता हूं, और ताकि आपको सारी चीज क्लियर होती चली जाए। और इसमें कुछ कुछ ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये सिंबल ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं वहां पर। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे उस ऑपरेटर को, न्यूमेरिक ऑपरेटर को प्रैक्टिकल करके यूज करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक नया फाइल ले लेता हूँ, न्यू फाइल, पाइथन फाइल। ओके, और इसमें मैं न्यूमेरिक देता हूँ, न्यूमेरिक नेम की एक फाइल लेता हूँ। अब बस एक चीज की यहाँ पे गौर करना, हमेशा मतलब ध्यान देना, जो नेम जो है न्यूमेरिक नेम या पाइथन की कोई फाइल जो हो, जो आप क्रिएट कर रहे हो न्यू, उसमें स्टार्टिंग नेम नहीं होनी चाहिए या नंबर नहीं होनी चाहिए, सॉरी उसमें नंबर स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि जो पाइथन खुद की जो फाइल जो क्रिएट करता है तो उसमें भी कहीं कहीं नंबर रहते हैं, तो वो नंबर एंड आप जो नंबर आप जो यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो उस दोनों अगर मैच करेगा तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से थोड़ी बहुत आप ध्यान देना यहाँ पर, और अगर कभी कभी वो नंबर आप स्टार्टिंग में अगर ये कर भी देते हो, इंटर कर भी देते हो, तो वो फाइल सेव हो जाती है, चलने लगती है, बट कभी कभी वो एरर शो करने लगता है या प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तो आप ये गलती मत करना। अब चलो मैं एक नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं करता हूँ एक ए नेम की एक वेरिएबल लेता हूँ, एंड उसमें मैं ये कर लेता हूँ 12, एंड बी नेम की 3, एंड प्रिंट करता हूँ मैं ए प्लस बी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे मैं पेस्ट करता चला जाऊंगा। पेस्ट कर देता हूँ पूरा। ओके, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ मैं इनटू कर देता हूँ, मल्टीप्लाई सॉरी, और यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, एंड यहाँ मैं डबल स्लैश, एंड देन यहाँ मैं मॉड्यूलो यूज कर देता हूँ। ओके, मॉड्यूल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात आप यहाँ पर अगर गेस भी करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 12 प्लस 3 15। ओके, एंड 12 माइनस 3 9। ओके, एंड 12 इंटू 3 13।
36 होता है, एंड यहाँ आप क्या करो, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 3 कितने हो गए, यहाँ पे 4.0 होगा. ओके, ये इतना आपको मैं अभी बताने वाला हूँ. ओके, और ये जो लास्ट के दो ऑपरेटर्स हैं, ये लास्ट के जो दो ऑपरेटर्स हैं, एक डबल स्लैश एंड एक मॉड्यूल साइन जो है, इन दोनों को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको. पहले आप ये देख लो कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, एंड इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से. हैश मतलब ये होता है यहाँ पर कि वो कमेंट है वो लेगा नहीं, वो रीड करता नहीं है वो. तो यहाँ पे हैश मीन्स वही का मतलब है. तो अब देखो यहाँ 5, 15, 9, 36, 4.0. ओके, तो यहाँ पर जैसा आपको पता था कि ये ऐसा रिजल्ट आने वाला है, तो वही हुआ. अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो प्रिंट जो मैं यहाँ क्लोज करा हूं, अब आप इसको देखो इसकी जो वैल्यू क्या आएगी. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4.0, 4 एंड फिर 0. तो इन तीनों में डिफरेंस देखो क्या हो रहा है. इन तीनों में डिफरेंस ये है कि एक 4.0 है, जो कि अगर सिर्फ आप डिवाइड करते हो तो 4.0 आएगा, वो फ्लोट में आंसर उसके आएंगे. अगर आपको फ्लोट में नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डबल स्लैश यूज करोगे तो वो फ्लोट में नहीं होगा. ओके, यहाँ पर जो फ्लोट के जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगी उसे वो ट्रंकेट करके इरेज कर देगा, एंड देन वो जो भी नॉर्मल जो स्टार्टिंग की जो डिजिट है वो शो करेगा. एंड मॉड्यूल मतलब होता ही है आपको, जब वो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वहां पर वो शो कर देगा. ओके, तो ये होती है हमारी क्या ऑपरेटर्स, न्यूमेरिक ऑपरेटर्स जितने टाइप के हैं, और भी बहुत टाइप के हैं और तरीके भी हैं बहुत अलग अलग, तो वो भी धीरे धीरे मैं आपको बताता चला जाऊंगा. अब देखो यहाँ पर मैं दोनों चीज, इन दोनों के बीच के डिफरेंस में बताता हूँ. ए ए डिवाइडेड बाई बी एंड ए डबल स्लैश बाई बी. ओके, ये जो भी है, तो इसको मैं पहले यहाँ पे प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ, और इसे मैं फॉर लूप में बताऊंगा. अगर अभी आपने फॉर लूप अभी आपने नहीं पढ़ा है, मैं अभी तक बताया नहीं हूं, तो अभी आप देख लो इस वीडियो को ताकि आपको ये जो क्लियर हो जाए, ये जो भी डाउट है. ओके, और फिर बाद में मैं आपको पूरी फॉर लूप और वाइल लूप आपको मैं बताऊंगा अच्छे से. तो अभी आप ये डाउट आप क्लियर कर लो, मैं आप चाहता हूं कि आपके डाउट ये क्लियर हो जाए. अब देखो यहाँ पे आई प्रिंट मैं करा दिया, और देखो यहाँ फॉर लूप लिखने की जो सिंटेक्स है वो ऐसी होती है. यहाँ पे जो लास्ट में ना ये आफ्टर एक ये सिंबल आपको ये देने की जरूरत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर नहीं होगा तो वो एरर शो करने लगेगा. तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 शो कर रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पर, आई जो है वो रेंज 1 से चलेगा एंड देन 4 तक जाएगा. 4 तक क्यों, क्योंकि प्रिंट क्या क्या कर रहा है, 1, 2, 3 कर रहा है प्रिंट. तो 1, 2 एंड 3, 4 तक जाएगा तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, तो 3 तक जा रहा है तो ये 3 तक प्रिंट करेगा. मैं पहले यहाँ पर आपको एक ये कर देता हूँ स्पेस देने के लिए आउटपुट में, जाके वो आपको अच्छे समझ में आए. अब देखो यहाँ पर 1 एंड 2 एंड 3 क्यों, 1, 2, 3 क्यों प्रिंट कर रहा है ये स्टार्टिंग से, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रिंट तो 1 से ही करेगा ना, 1, 2, 3 तक. 0 से स्टार्ट हो रहा है तो काउंट 1, 2 एंड 3 करेगा, स्टार्ट करेगा, तो इस वजह से ये 0 से 4 तक इतने ही से जाएगा, तो ये प्रिंट ऐसे कर रहा है. अब देखो यहाँ पर मैं ये सिंपल मैं फॉर लूप लिया था, अब मैं यहाँ पर आपको आई इन रेंज, अब मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ जो कि स्लैश एंड बी. ओके सॉरी, एंड प्रिंट एंड आई. अब ये क्या आउटपुट आएगा, यहां देख लो आप, अब इसकी आउटपुट एरर आ रही है. क्यों, क्योंकि यहां पर जो बोल रहा है वो टाइप्ड एरर बोल रहा है. टाइप्ड एरर क्या बोला, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ओके, तो फ्लोट ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोट ऑब्जेक्ट है 1, और ये जो है, ये जो अगर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे 4.0 आएगा, इसकी जो आंसर आएगी वो 4.0 होगी, जो कि इसके रेंज, इसमें रेंज नहीं निकल सकता. ओके, तो इस वजह से यहाँ पर ये आएंगे, मतलब एरर आएंगे, वो एरर टाइप्ड एरर होंगे. आपको नॉर्मल आपको समझ में आता ही होगा कि अगर रेंज निकालना हुआ तो मैं 1 से जाऊंगा 2 तक, या 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर मैं 10.0 तक नहीं जा सकता, या 10.5 तक नहीं जा सकता, वो रेंज हमारी नहीं होगी. रेंज क्या है कि सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन उधर जो भी रेंज है आपको जहां तक पहुंचना है वहां तक. तो ये होती है हमारी रेंज, रेंज निकालने की. लेकिन यहां पर क्या है, फ्लोट आ रहा है बार बार, फ्लोट यहां पर रिजल्ट आएगा हमारे, इस वजह से ये एरर बता रहा है.
वही मैं यहां पर फॉर आई इन रेंज वन एंड ए डबल स्लैश बी ओके प्रिंट आई। अब इसके रिजल्ट क्या आएगी आएगा, अब देखो रिजल्ट यहां पर क्या आ रहा, यहां जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है यहां पर 1 2 3 आ रहा, तो यहां पे कोई एरर शो कर नहीं रहा। तो ये होते हैं हमारे डबल मॉड्यूल एंड सिंगल ओके। तो यहां पे क्या होता है, ये हमारे डायरेक्ट 0 4 है ना, तो ये डायरेक्ट 4 शो करेगा यहां पर, तो इस वजह से ये रेंज निकाल रहा है एंड देन वही वो रेंज से प्रिंट कर रहा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ पास शेयर करें, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें ओके बाय।